Okay, lesson plan is the arrangement of instructors, teachers' knowledge, teacher instructor knowledge and experience put in a systematic way on paper and also smallest division of syllabus which can be covered in a period. Suppose हम लोग क्लास लेने का पहले ये पीपीटी बन रहा है ना, पीपीटी पूरा सिलेबस नहीं है आपको, पीपीटी ओनली हेडलाइंस पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट में आपका एक्सप्लेन करना है, वो पॉइंट्स में भूल जाएगा, अभी देखो एक पॉइंट भूल जाएगा. सो व्हाट इज द लेसन प्लान इज द होल सिलेबस नो यू विल टेक मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स 1 2 3 लेके अर्लियर व्हाट हैपेंड नाउ पीपीटी इज देयर. हम लोग का करने का कॉलेज का स्कूल का मीन टीचिंग करने का टाइम में सीएसटी का घटा में ओवरहेड प्रोजेक्टर वाज देयर, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, यू विल मेक अ ट्रांसपेरेंट शीट्स विद परमानेंट मार्कर्स, यू विल मेक ड्रा कलर ब्लू ब्लैक ग्रीन, यू विल मेक इट एंड यू विल डिस्प्ले एंड विल कम इन द पिक्चर द ओएचपी डेल ओवरहेड प्रोजेक्टर्स ट्रांसपेरेंट शीट्स. राइट नाउ व्हाट हैपेंड लास्ट 10 इयर्स वी आर डूइंग पीपीटी पावर पॉइंट, दैट टाइम पावर पॉइंट वाज नॉट देयर. सो व्हाट हैपेंड, व्हाट आई वांट टू से इज द प्रोजेक्टर पावर पॉइंट. So my syllabus, what are my syllabus is there? I will take the syllabus into point wise, point one, point two, एक point, दो point, तीन point, point करके वो point हमारा lesson plan एक paper में लिख के आएगा, पुराना वाला paper में अभी PPT में आ रहा है. आप school में जाइए, school उनको preparation करके रखता है क्या teach करना आज, क्या example देना है. So ये smallest division of syllabus, ये छोटा syllabus में ये छोटा लेके वो वाला आपका teachers का experience करके एक point लिखेंगे, that is called lesson plan. Duration of the lesson plan varies from 45 minutes to 60 minutes. अभी निमी लोग एक घंटा का क्लास दे रहा ना, एक घंटा का ज्यादा आप लोग बैठ नहीं सकता है, that is a teaching psychology. एक घंटा मैक्सिमम, इसलिए कॉलेज इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कॉलेज में एक घंटा का 45 मिनट्स और एक घंटा मैक्सिमम, उनके बाद में दूसरा क्लास आएगा. एक घंटा के बाद में बैठेंगे आप लोग का हेडेक हो गया, सम टाइनेस हो जाएगा. सो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इन केस ऑफ थियरी, 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स इन केस ऑफ प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल एक घंटा प्रैक्टिकल नहीं देंगे, बैठ सकता है, स्टडी नहीं कर सकता है. सो ऐसा आपका ये प्लान करके हम लोग रखना पड़ेगा. आई गिव एग्जाम्पल, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, आर्टिकल राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कंप्यूटर में, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. व्हाट इज मीनिंग, सपोज मैं प्लान नहीं किया ना, आज का हमारा तीन क्लास था, 10 बजे क्लास, 12 बजे क्लास, अभी 2 बजे क्लास, मैं इन बिटवीन, मेरा वाइफ बेंगलुरु में, मैं खाना में पढ़ना पड़ेगा. सो 10 बजे का पहले मैं रेडी कर दिया कुछ आइटम्स, 11 बजे का 12 बजे का सांभर रेडी कर दिया, 1 बजे के बाद में राइस रेडी कर दिया, अभी खाया. सब मैं क्या करेंगे, प्लान नहीं करें क्या होता है, अभी हमका मई के कारण कारण नहीं सकता, तीन क्लास ले लिया फिर भी आपका कारण नहीं मिलेगा. सो एवरीथिंग आपका प्लान चाहिए. एग्जाम्पल अभी अभी कोरोना वायरस है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है आपको, विजिबल नहीं मिल रहा है, कुछ दाल नहीं मिल रहा है, प्लान कर रहे हैं आप लोग, छोटा यूज कर रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू से इज क्लास में लेने को आपका प्लान करना है, प्लान नहीं करेंगे आपको फेल, अभी प्लान नहीं किया ना मैं, हमको सोप नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा, प्लान करके परचेस करके आना पड़ेगा, ठीक है. सो लेसन प्लान, लेसन इज द बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग एंड प्लानिंग इज द स्कीम ऑफ अकोमोडेशन पर्पोज. पूरा बॉडी लेसन, मैं अभी क्लास ले रहा है, पूरा क्लास है, बट ये पीपीटी ओनली ये पॉइंट है, ये क्लास पूरा बॉडी है, ये वाला एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कि लेसन प्लान एक पीपीटी, वो मैं एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है. Now, what is the features of lesson plan? Feature means characters. Plan should be brief and simple. Lesson plan aisa, dekho, ek point aa raha, dekho, color mein dekho, blue, violet, so green and light blue. Ek point there hai main. A plan should be brief, simple, understandable. Ek para nahi pad sakte hum log. Because wo history ho jayega. Ek point. Plan should be brief and simple. Brief means thoda hai. Simple, understandable. आप लोगों को समझ में आना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग. आपको समझ में आना चाहिए. प्लान शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल. प्लान मस्ट बी लिंक्ड विद प्रीवियस वर्क डन. सपोज मैं आज का प्रीवियस क्लास ले रहा हूं, लेसन प्लान लेने का टाइम में पहले मैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लेके आ रहा हूं, कल का क्लास मे बी कुछ स्टिचिंग कर रहा है, कल का क्लास क्या हो गया शुरू करना है हम लोग, कल का क्या हो गया आज क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेसन को प्रीवियस लेसन को लिंक करना है, ठीक है. लेसन प्लान लैंग्वेज एंड टेक्निक टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स मस्ट बी लर्नर्स लेवल. मेरा लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बहुत अच्छा बात नहीं कर सकता है, मेरा लैंग्वेज हमका बच्चा लोग आई टी ए बच्चे लोग है, मैं बी ए लिटरेचर एम ए लिटरेचर का इंग्लिश नहीं ले रहा है, हमका आई टी ए का लेचर, हमका टेक्निकल टर्म एंड इंग्लिश ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए,
सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज हमको मालूम नहीं कि देंगे आप लोग को समझ में आएगा, सिंपल लैंग्वेज द टू लर्नर्स लेवल, आपके पास जाके आपका अंडरस्टैंड लेवल बात करना है, सिंपल टेक्निक्स सॉरी टेक्निकल टर्म्स अंडर लर्नर्स लेवल. टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियरली पिक्ड अप द इंडिकेट फ्रॉम द सिलेबस. टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट. आज का मैं क्लास क्या क्या क्लास ले रहा है, लेसन प्लान ले रहा है, डेमोस्ट्रेशन ले रहा है, साइकोलॉजी ले रहा है, ये वाला टाइटल, टाइटल ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली अभी देखो मूवी देखो ना, मूवी का टाइटल देता है, कुछ आदमी का समझ में नहीं आता क्या टाइटल है, वो टाइटल पकड़ के टाइटल करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग, बिकॉज सब सब्जेक्ट में टाइटल में आना चाहिए. नेक्स्ट इज subject matter should be analyzed and indicate the topics in sequence simple to complex. pehle dekho subject matter analyze, subject analyze hai kuch syllabus analyze bolta hai, sequence hona chahiye pehle first second third aisa simple to complex. suppose main aapka kuch bata denge, kuch switching karenge ya compare karenge, pehle main simple bata raha hu aapko kaise shuru karna hai, sab sab karke kaise shuru karna hai, unka baad mein next step थर्ड स्टेप. सब मैं दोस्त करके एग्जाम्पल, मैं अभी कार रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कार रिपेयर करने का पहले क्या है, पहले वो क्लीन करना है, बाद में वो ये बोलता है पंचर डालना है, मैं डायरेक्ट उनका इंजन रिपेयर करेगा क्या होता है उनका समझ में नहीं आता है, यू नॉट अंडरस्टैंड. सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आना चाहिए. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन द लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेट. हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा बुकलेट इक्वल आना चाहिए. अब देखो पीओडी बुक सब लोग के पास है, ये पॉइंट पूरा आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हो, ये पीओडी बुक ले लिया. सो लॉजिकल ऑर्डर, सपोज एक स्टेप आप लोग मैथ्स दे रहे हैं, एक स्टेप का दूसरा स्टेप को कैसा है हमको मालूम नहीं है, एक मास्टर क्या बोलता है, एक मिस करता है, एक स्टेप मिस करता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है, हमका टेंशन होता है. सो इक्वल स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप लॉजिकल स्टेप होना चाहिए. टू डिसाइड वेदर इट इज अ क्लासरूम और शॉप फ्लोर, ये वाला आपका क्लास ले रहा है, थियरी क्लास ले रहा है, प्रैक्टिकल क्लास ले रहा है, ये थियरी का अलग होता है, प्रैक्टिकल का अलग होता है. हमारा प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, थियरी में लेसन प्लान अलग होता है, हम लोग का समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं हम लोग. प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्लानिंग, सो प्लानिंग करने के लिए हमका प्री रिक्वायरमेंट मींस पहले हमका क्या चाहिए. अभी मैं खाना रेडी कर रहा है, हमको क्या चाहिए, गैस चाहिए, इलेक्ट्रिशियन इंडक्शन स्टोव चाहिए, दाल चाहिए, राइस चाहिए, मीन बीट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, ऑयल चाहिए, ये वाला हम लोग रेडी करना है ना. कुछ नहीं है मेरे पास, अभी दाल रेडी कर सकता है हम लोग, नहीं कर सकते ना. सो रेडी करना, दैट इज कॉल्ड प्रीरिक्विजिट. फर्स्ट क्या है, व्हाट टू टीच, मैं क्या टीच करना है आज आपको, क्या सब्जेक्ट टीच करना है. आई एम टीचिंग लेसन प्लान, एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या है, लेसन प्लान, हाउ टू टीच, कैसे टीच करेंगे, ऑनलाइन वर्चुअल क्लास, पीपीटी से और ब्लैक बोर्ड से करना है, करंट चला गया पीपीटी काम नहीं करना है, मैं ऐसा बात कर सकता हूँ. हाउ, कैसा, व्हेन टू टीच, कब टीच करना है, 10 बजे 11 बजे रात में सब लोग सो जाएगा, कब टीच करना, लेसन प्लान आपका पहले पीओडी में पहले आएगा, लेसन प्लान कब टीच करेंगे. सो लेसन प्लान प्रिपेयर करने के बाद में आप लोग टीच कर सकते हैं, व्हाट टाइम, हुम टू टीच, कौन है टीचर्स, इंस्ट्रक्टर मीन फैकल्टी है, इधर स्टूडेंट्स कौन है, व्हाट इज द लेवल, उनका लेवल क्या है, उनका बच्चे एग्जाम लो, उनका स्कूल है, कॉलेज है, आईटी है, उनका लेवल का है, एग्जाम्पल साउथ नॉर्थ है, साउथ का इंग्लिश हिंदी मालूम नहीं होगा. सो ये देखना पड़ेगा हम लोग, कौन का बात कर रहे हैं, वेयर टू टीच, विच प्लेस, नाउ आई एम सीइंग फ्रॉम माई हाउस, अर्लियर आई शुड टीच फ्रॉम क्लास, पहले मैं क्लास में क्लास लेते हैं, अभी घर में क्लास ले रहे हैं, वर्चुअल क्लास, आप लोग घर में बैठ के क्लास सुन रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था ना, वेयर किधर, बिकॉज ऑफ कोरोना स्टेज, वही टू टीच, क्यों चाहिए वाला, अब ऑलरेडी 21 दिन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट एक महीना, वन एंड हाफ महीना छुट्टी होगा, और आपका समझ में नहीं आता क्या हो गया, आपका जून जुलाई में एग्जाम होता है, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग का ऑर्डर था, हम लोग का ऑनलाइन सिलेबस में कवर करना बोलते हैं. व्हाट टू टीच, क्या सब्जेक्ट है, कैसे टीच करेंगे, कब टीच करेंगे, कौन का टीच करना है, किधर टीच करना है, वही क्यों टीच करना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग के लिए. ठीक है, नेक्स्ट,
prerequisite good sem. The instructor, main instructor hu, humko kya chahiye? Be mastering of the subject. Suppose humko master subject nahi malum hoga, main aapka class nahi le sakta hai. Ek class mein 20 saal se le raha hai lesson plan, demonstration plan. Suppose aap log ka example motor mechanic hai. आप लोग का मैं क्लास लेंगे क्या बोलता फोर स्टॉक इंजिन लेंगे मैं एक थीरी पढ़ के आपको ले सकता है बट तो हमको सब्जेक्ट नहीं मालूम है ना आप क्वेश्चन देंगे हम क्या करेगा वैसे बैठेंगे सो मास्टर टीचर मीन्स क्या है ये बच्चा का ज्यादा मालूम होना चाहिए टीचर को सी एग्जाम्पल हम लोग कॉलेज पढ़ने के टाइम में कोबॉल बेसिक फोर्ट्रॉन था मैं बाद में जॉब करने के टाइम में बच्चों का टीच करने का सी सी प्लस लर्न कर दिया अभी पीएचपी पैदा लर्न कर रहे हैं पैदा लेटेस्ट लैंग्वेज है आर्क थोड़ा लर्न कर दिया ऑलरेडी आर्कोगामी कंप्यूटर में एवरी महीना एवरी साल में एक एक चल रहा है मैं आपको मालूम नहीं हुआ मेरा बच्चे लोग का ज्यादा मालूम होगा मैं क्या करेंगे ऐसे बैठना पड़ेगा ना क्लास नहीं ले सकता है अभी नया बच्चे लोग सब लोग का स्कूल का क्या बच्चे लोग का सी प्लस प्लस जावा सब लोग का मालूम है हमको मालूम है मैं कैसे क्लास लेंगे से मास्टर इन द सब्जेक्ट टीचर शुड हैव अ मास्टर नो द स्टैंडर्ड एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर्स उनका स्टूडेंट में कैसे मालूम होना चाहिए उनका स्टैंडर्ड कैसा है इंडिविजुअल कैसे है कुछ लड़का एक बार बोलिंग मालूम होता है कुछ लड़के को 10 बार बोलना है कुछ आदमी को मैं इंग्लिश में बात कर सकता है कुछ आदमी को हिंदी में बात करना है सो स्टैंडर्ड इंडिविजुअल लर्नर उनका कैसे है लैंग्वेज उनका कैसा अंडरस्टैंड है उनका कैसा बात करना है हमको मालूम होगा एग्जाम मदर है ना मदर का टीच करता है ना बच्चे का अलग अलग बच्चे का अलग टीच करता है बोलेगा बी कन्वर्जेंट विद द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग टेक्निक लॉट ऑफ टेक्निक्स टीचिंग मेथड्स बहुत मेथड्स हैं लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान सॉरी लेसन डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड ट्यूटोरियल मेथड असाइनमेंट मेथड द डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑनलाइन मेथड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर सो हम लोग का ये टेक्निक कैसे यूज करेंगे ये क्लास कैसे करेंगे मैं प्रैक्टिकल कर रहा है उनका डेमोन्स्ट्रेशन देना है थीरी का डेमोन्स्ट्रेशन जरूरत नहीं सो अलग अलग टेक्निक यूज करना है क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आपका ये भी क्या है आज का क्या करना है आप लोग ये क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग पूरा कैसा लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं हाउ यू कैन मेक ए लेसन प्लान प्रॉपरली एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या चाहिए उधर में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट ये वाला ऑब्जेक्टिव्स बोलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निमी बुक देगा आप लोग एट द एंड ऑफ द सिलेबस वी आर एबल टू फाइंड आर एबल टू राइट ऐसा ऐसा लगता है नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन लेसन अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल में एक्टिविटीज नहीं दे सकता है मैं मेरा क्लास में 90% में एक्टिविटी बच्चों लोग कुछ गेम देंगे कुछ बात करेंगे कुछ कुछ लेसन ये वाला देंगे आप लोग का क्वेश्चन देंगे आप लोग आंसर करेंगे ये एक्टिविटी बोलता है सो एक्टिविटीज आप लोग का रेडी करना है आप लोग का मीन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इधर भी मैं अकेला बात कर रहा हूँ वन वे कम्युनिकेशन हो गया फिर भी मैं क्या करूँगा कुछ नहीं सक सकता है सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज डूइंग ए प्रेजेंटेशन इन द लेसन सो डिफरेंट एक्टिविटीज आप लोग करना पड़ेगा Now, plan must be flexible. Flexible means, मेरा PPT flexible. ये बहुत example, ये आपका एक घंटा चाहिए क्लास चाहिए एक घंटा का ये वाला रेडी करना है हमका दो घंटा क्लास है दो घंटा रेडी कर सकते हैं ये लेसन प्लान मैं तीन दिन ले सकते हैं उनका अलग करना है सो मेरा PPT can be adjusted, modulated, depending upon situation, time to time, place to place. Learners participation must be included. That means बोला ना पहला सब लोग का learners. स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंस देना है प्लान मस्ट बी मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्लास ये प्लान मैं कल नहीं करना है ये 10 साल से मेरे पास है थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मीन्स प्लान क्लास आने के बाद में प्लान नहीं पीपीटी नहीं मीन्स क्या करेंगे वो कुछ नहीं कर सकते रेडी होना चाहिए इंस्ट्रक्टर शुड नो व्हाट टू टीच अंडर विच पॉइंट एक पॉइंट में एग्जाम्पल क्या देना है ये पॉइंट में ये वाला क्या करना है एग्जाम्पल ये पॉइंट बोल रहे हैं क्या करना एक एक पॉइंट में अलग अलग एग्जाम्पल देना है ठीक है बेसिक प्लानिंग कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन ये वाला ये पीपीटी मेरे पास ट्रांसपेरेंसी में था कलकत्ता में 20 साल का पहले था ट्रांसपेरेंसी उनका बाद में मैं अपेक्स आने के बाद में थोड़ा ए क्लास पीओटी सीएटी 2013-14 में शुरू हो गया 2012-13 में शुरू हो गया उनका बाद में मैं प्रिपेयर कर दिया वाला पूरा पीपीपी कर दिया उनका पहला आप लोग का पीपीपी वाला नहीं था एक क्लोज एक कोर्स सही था सो इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं किया बाद में लेके हमारा तुषार घोष मेरा फ्रेंड है ये वाला थोड़ा आपका भेज दिया मेरा कैश फ्रेश करके थोड़ा मॉडिफाई करके मैं पीपीटी बना दिया सो अभी कल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया मैं ऐड करेंगे उधर में सो वे प्लानिंग शुड बी सेवरल टाइम्स आई कैन मॉडिफाई दूसरा मॉडिफाई कर सकता है
नया नया चीज लेकर आता है, नया फोटो लेकर आता है. फोर स्टेप मेथड कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग. फोर स्टेप मेथड ये टीचर को बाइबल है. फोर स्टेप मेथड मैं बोलेंगे बाद में आपको. बाइबल इज विदाउट फोर स्टेप मेथड ए टीचर इज जीरो. उनका टीचर टीचर नहीं बोल सकते हम लोग. मैं बोलेंगे क्या है वो स्टेप्स ऑफ लेसन. फोर स्टेप मेथड पहले वाला प्रिपरेशन. प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप. सेकंड वाला प्रेजेंटेशन. कैसा कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसा क्लास ले रहे हैं प्रेजेंटेशन. थर्ड इज एप्लीकेशन. कैसे अप्लीकेशन कर रहे हैं, बच्चे लोग किधर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं वो लोग ये सब्जेक्ट. फोर्थ वन इज एवल्यूशन. बच्चा खत्म होने के बाद में देखे कैसे गया वो लोग, अच्छे गया नहीं गया, व्हाट दे डिड करेक्ट आर नॉट, चेकिंग करना है. सो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एवल्यूशन. वाई क्यों प्रिपरेशन क्यों चाहिए. टेल एंड शो. प्रेजेंटेशन मीन्स ऐसे करना, ऐसे करना, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन. डू एप्लीकेशन, वो लोग काम करना है. टेस्ट, गेट द आउटपुट एंड एवल्यूशन. दी फोर स्टेप मेथड आपका इधर में होना चाहिए टीचर को. प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एवल्यूशन. ठीक है. नाउ प्रिपरेशन. क्या प्रिपरेशन मीन्स. मेरा क्लास प्रिपरेशन पीपीटी. अराउज इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ डिजायर फॉर लर्निंग. ये क्लास लेने का पहले आपका इंटरेस्ट लेना चाहिए आप लोग का. मैं मानिक बोला बच्चे का खाना देने का खाना इंटरेस्ट नहीं उनको. क्या करते हैं हमको, आ करो ऐसे करो, वो देखो बहुत देखो ऐसे बोल के दौड़ता है, डरता है, कुछ करता है. इसलिए बच्चा लेने का हम लोग क्या करना है क्लास आने का टाइम में. ओके आई एम बॉब, गुड आफ्टरनून, आई एम गोइंग टू टेक लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान. ओके कल मैंने साइकोलॉजी क्लास ले लिया. बोलो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग क्या है. ये लड़की ऐसे उठता है क्या है. अब बोलो लर्निंग क्या है. हाँ एक दूसरा ये टाइलर मेथड क्या है. दूसरा ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन देंगे ना बच्चे लोग रेडी होता है. इंटरेस्ट आप कुछ स्टोरी बता रहो, कुछ स्टोरी बताओ, कुछ एग्जाम्पल दे दो, कुछ ये वाला देखो मोबाइल देखो कैसा है उसमें शुरू करो. सो ये वाला इंटरेस्ट लेना, पहले बच्चे का इंटरेस्ट आना चाहिए. शो ही द एक्चुअल आइटम अदर टीचिंग एड्स. सो एग्जाम्पल आप लोग एलकेजी जाए ना, पहले हम लोग एलकेजी था, फर्स्ट टाइम पढ़ा वो टाइम में स्कूल में. अब एलकेजी में फोर का डायग्राम है, बॉल, ए फॉर बॉल, बी फॉर बैट, पूरा फुल चैट होता है पूरा क्लास में. अभी मैं इंडोर आने के बाद में इंडोर फोर इंस्टीट्यूट पूरा चैट कर दिया. मैं चैट चाहिए, पहले चैट नहीं था, बोला चैट चाहिए, चैट करो सब लोग को. अभी पूरा इंस्टीट्यूट पूरा चैट्स है, बच्चा देखेगा क्या है वाला. मे भी बच्चे एज का डिफरेंट नहीं है, हम लोग का ये फॉर एप्पल नहीं, ये अभी एप्पल देख के उनका मालूम होगा ये क्या है, बॉल देख के उनका मालूम होगा बी क्या है, विजुअल एड्स. सो एग्जाम्पल ये वाला मोबाइल, ये वाला लैपटॉप, ये वाला कंप्यूटर, ये वाला बोलेंगे ना उनका समझ में आएगा. कंप्यूटर है मालूम है, कंप्यूटर नहीं समझ देखा ना ऐसा, वो तो थिंक करेगा दूसरा क्या है थिंक करेगा. सो उज्जवल अभी सब जगह चार्ट्स हैं, ये ऑडियो विजुअल्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, ये वाला क्या बोलता है उज्जवल मॉडल्स हैं. देखा एक बार देखा सी स्टार में था, नीवी में था. शो नीड फॉर लर्निंग न्यू सब्जेक्ट थ्योरी प्रैक्टिकल. क्यों चाहिए, क्यों लेसन प्लान आपका चाहिए. विदाउट लेसन प्लान इफ यू टेक क्लास यार जीरो में बोल रहा ना. लेसन प्लान विदाउट लेसन प्लान टीच नहीं कर सकता है. वो बोलेगा आई कैन टीच, एक बोगस है. बोलेगा मैं अच्छा मैं आपका 100,000 ले लिया, मैं ले सकता हूँ, फिर भी लेसन प्लान जरूरत है. ओके क्यों चाहिए बोलना है. एक्सप्लेन अनालॉजी विद एग्जांपल. अनालॉजी मीन्स क्या है, एग्जांपल लेना पड़ेगा. देखो मैं आज का कम्युनिकेशन क्लास ले रहा है, कम्युनिकेशन कैसे है, आप लोग का बस स्टैंड में कैसे बात करता है, घर में कैसे बात करता है. मैं लेसन प्लान ले रहा है, लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान एग्जाम्पल मैं मोबाइल के बात कर रहा है, मैं मोबाइल लेके आया, ये वाला मोबाइल है, ये वाला इधर में 4G है, 4G 3G क्या है, मैं एक्सप्लेन करने को ये आइटम चाहिए, ये वाला पेन है, ये क्या क्या पेन है, ये इंक, ये वाला एक्चुअली ये डॉट्समैन अकेडमिक पेन है, मेरा फ्रेंड दे दिया, तो इंक डाल के हम लोग लिखना पड़ेगा, ये पेन है, ये वाला कैसा आया, किधर से मैन्युफैक्चर, ये आपको देखना पड़ेगा. स्टोरी कुछ करके टेल व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न. वो क्या लर्न करने का, क्या लर्न करेगा क्लास में, ऑब्जेक्टिव्स. ये स्टोरी कनेक्टेड टू दिस लेसन. आज के लेसन में क्या ऐसे क्लास लेंगे, स्टोरी बताना है. रिवाइज रिकॉल प्रीवियस नॉलेज. क्लास कल का क्लास शुरू करो, रिवाइज करो कल क्या किया हम लोग, आज क्या कर रहे हैं, ऐसे करना है. ये वाला प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रिपरेशन और वही कैसे प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. Connect previous knowledge theory practical with new mainly question by questioning. Okay, कल मैं आप लोग क्लास ले लिया साइकोलॉजी, आप शुरू करो प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे.
पिछले क्लास का क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन आस्क देन गेट इट. टीच स्टेप बाय स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस. स्टेप वन स्टेप टू टीच एग्जैक्टली. जंप नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सीक्वेंस आना चाहिए. एक्सप्लेन एंड शो क्लियरली ईच ट्रेनी मस्ट अंडरस्टैंड. सो एक एक बच्चे का अंडरस्टैंड होना चाहिए, मैं टीच करने का सब लोग का अंडरस्टैंड होना चाहिए. एक पीछे बैठ कर सो रहा है उनको भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, उठ के बोलना पड़ेगा. यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, हिंदी इंग्लिश व्हाटएवर लाइक सिंपल लैंग्वेज. ऑलवेज मेक क्लियर व्हाट व्हाई एंड हाउ. क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है एंड क्यों कर रहे हैं. व्हाई व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये वाला आपका रोटेशन आना चाहिए. ऑलवेज यूज टीचिंग एड्स. क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, मॉडल, चार्ट्स, प्रोजेक्टेड एड्स, ड्राइंग्स, कुछ क्लास लेके एक्सप्लेन करना है. आस्क क्वेश्चंस एवरी डे, नाउ एंड देन क्वेश्चन ले लो. क्या बोले, क्या बोलो, आपको बोलो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन क्या है, हाँ बोलो सर, ऐसे क्वेश्चन दे दो इन बिटवीन. वो एक्टिविटी वो हैप्पी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा क्लास लेने को. ठीक है, नाउ एप्लीकेशन. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेप. लर्नर शुड प्रैक्टिस और इमिटेट न्यू नॉलेज ऑफ स्किल्स. इमिटेट, मेरा मास्टर ऐसे किया मैं ऐसे कर रहे हैं, मेरा मम्मी ऐसे ब्रश कर रहा है मैं ऐसे ब्रश करता है, इमिटेट बोलता है. सो नॉलेज एंड स्किल इमिटेट करना है. कल हम लोग क्लास कैसे किया ऐसे करना है हम लोग. दिस कैन बी डन डूइंग प्रैक्टिकल जॉब, प्रैक्टिकल जॉब आंसरिंग क्वेश्चन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम. क्वेश्चन करके आंसर दे दो, सॉल्व कर सकते हैं. पुट द क्वेश्चन करेक्टली एंड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस. करेक्ट क्वेश्चन चाहिए, रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं देना, रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन चाहिए. लर्नर मस्ट यूज करेक्ट मेथड, टीचिंग मेथड, एग्जाम मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, लेसन क्या है. गाइड एंड हेल्प ईच लर्नर व्हेन दे आर आंसरिंग द गुड जॉब. वो लोग करने के टाइम में गाइड करो, अच्छा क्या करना हो बेटे, अच्छा किया तो चेंज करो, ऐसे करो ऐसे करो, आपका गाइड करना है, ऐसे करना ऐसे करना. मम्मी बच्चे करने का टाइम खाना खाना करना, मम्मी वाकई बैठता है ऐसे करो ऐसे करो बोलता है, डायरेक्शन देता है. अलाउ ट्रेनीज टू पुट क्वेश्चन टू मेक देयर अंडरस्टैंडिंग क्लियर. आप लोग डाउट क्लियर भी करना, बट अभी इधर नहीं हो रहा है, आप लोग मैसेज दे दो, बाद में व्हाट्सअप दे दो उनको, मैं आपका व्हाट्सअप रिप्लाई देंगे. अभी ज्यादा बच्चे लोग आपका क्वेश्चन दे रहा है, मैं आंसर दे रहा हूँ उनको. सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. नाउ एवोल्यूशन, फोर्थ स्टेप. दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द लेसन. आफ्टर टीचिंग टीचर मस्ट चेक हाउ मच ईच लर्नर लर्न्ड. क्लास खत्म हो गया, मैं आपका क्या बोलना है, क्लास आंसर बोलना, क्या हो गया ये क्या है, क्वेश्चन देना है आपको. एवोल्यूशन, आप कितना लर्न कर दिया उनका मालूम होना चाहिए. कैसे मालूम होना चाहिए, आपका आपका रिजल्ट देख के, बुक देख के चेक करना है, असाइनमेंट, टेस्ट. इफ ए लर्नर हैज नॉट लर्न्ड बाय एनी ए लर्न, वो टेस्ट करने के बाद में, एग्जाम्पल 50 बच्चे लोग हैं, उधर में 40 बच्चे लोग फेल हो गया, 10 बच्चे पास हो गया, क्यों फेल हो गया आपको समझ में आना चाहिए. ओनली 2 बच्चे फेल हो गया, दूसरा पास हो गया, उनका मालूम होगा उनका प्रॉब्लम है. बट इधर ज्यादा बच्चे फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेरा लेसन प्लान प्रॉब्लम है, मेरा टीचिंग प्रॉब्लम है, आज मेरा बुक नहीं दिया उनको, ये देखना पड़ेगा. कैसे देखेंगे, एवोल्यूशन का देखेंगे. व्हाट वन द रीजन ऑफ द डिफेक्ट, क्यों ऐसा हो गया, व्हाट इज द रीजन, इज इट ड्यू टू ट्रेनिंग डिफेक्ट और टीचिंग डिफेक्ट. मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है, काउंट अच्छा टीच नहीं किया, मैं नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. व्हाट चेंज द लेसन एंड टीचिंग मेथड नेसेसरी. मैं कैसे चेंज करेंगे लेसन, बच्चे लोग अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लेंगे. इधर आने के बाद में ज्यादा हिंदी बात कर रहा है, पहला हिंदी ज्यादा नहीं मालूम उनको, इधर आने के बाद में मोस्टली हिंदी टेकिंग क्लास, हिंदी में बात कर रहे हैं. सो कैसा उनका एक्सप्लेन करना है, कैसा उनका अंडरस्टैंड करना है, मैं वॉट मेथड, कैसे मेथड चेंज करना है. ओके, सो टारगेट ऑफ लेसन, क्यों लेसन अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम था, मैं प्रिपरेशन नहीं किया, मेरा प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था, ऐसे बात करना है. Now, advantage of lesson plan. Q advantage, what are the advantages? Lesson plan formats a record of teaching and learning activity in a class or shop floor. Lesson plan hoga aapko, aapko malum hai kya teach karna, kya activity dena, kya example dena, so pura malum hoga aapko. It is a guide material for the instructor teacher, teach a sequential manner while teaching in a class or shop. Ye hamara guide hai, lesson plan humka guide hai, teacher ka guide hai. Wo dekhe aap log baat kar sakta, kya kya baat karenge. वो नहीं होगा, मैं मिस करता है, फोर्थ पॉइंट फर्स्ट आएगा, फर्स्ट पॉइंट लास्ट आएगा, मेरा गाइड है, लेट मी वर्क, कुछ समझ में आएगा, गाइड देखते हैं हम लोग. इट गिव्स कॉन्टेंट टू द इंस्ट्रक्टर टू टीच,
he need not entirely depend on the memory. मैं पूरा आपका मेमोरी में बोलूँ, जी आपका कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट 1000 टाइम ले लिया पूरा माइंड में, ऐसे ऐसे मैं क्लास ले सकता है, बट दूसरा सब्जेक्ट ऐसे माइंड में नहीं आता है, भूल जाते हैं हम लोग. सो ये वाला ये पीपीटी होगा और कुछ लेसन प्लान होगा हम लोग का कर सकता है. इट टेल्स द इंस्ट्रक्टर टीचर टू यूज टीचिंग एड एंड अदर मटेरियल एट अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरिंग द लेसन. कब ये वाला यूज करना, कब एग्जाम्पल देना हमको समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा. इट टेल्स टू ऑर्गेनाइज मैनेज एंटायर क्लास एक्टिविटी पार्टिसिपेशन. ये लोग सब लोग का कंसंट्रेशन कर सकते हैं, सब लोग का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सब लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, इसलिए ये लेसन प्लान चाहिए आपको. डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इफ योर प्लान्स आर नॉट रिवाइज्ड इफ रिक्वायर्ड अकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर एक्सेट्रा इनएफेक्टिव ऑब्जिलरी इंस्ट्रक्शन टीचिंग. एग्जाम्पल नया चीज आया मार्केट में, एग्जाम्पल आटे का रिलीज 15 आ गया, मैं रिलीज 12 क्लास ले रहा है, आउटडेटेड है, मैं पुराना साइड लेके पुराना पीपीटी के प्रेजेंट कर रहे हैं, नया बच्चा लोग का समझ में आया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको, तो बोलेगा सर गलत कर रहा है सर, स्टेप रॉन्ग से बोलता है ये सर ना. सो ये पीपीटी में हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, हम लोग का ये लेसन प्लान वेस्ट होता है. कुछ लोग लेसन प्लान रख रहे हैं 20 साल से ऐसे पकड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. एवरी ईयर चेंज करना, टेक्नोलॉजी करना, हम लोग चेंज करना है. पीपीटी करो नो प्रॉब्लम, मैं कल से भी कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिव्यू कर सकते हैं, करो. सो इनइफेक्टिव ऑब्सोलीट स्ट्रक्चर आउटडेटेबल आपको इफेक्ट अच्छा नहीं, क्लास नहीं चलता, आउटडेट होता है. देयर विल बी टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू रीड आउट प्लान टू क्लास रेदर देन डिस्कसिंग द क्लासिक टॉपिक. मैं देखा बहुत आदमी देखा क्लास लेने को, मैं भी देखा, मेरा फ्रेंड्स भी देखा, वो ऐसे रीड करता है एक एक सेंटेंस में रीड करके जाता है. हमारा स्कूल बचपन में क्या होता है, हमारा मास्टर के भैया हिस्ट्री बुक ले लो, सब लोग लेता है, अकबर चैप्टर 3 चैप्टर ले लो, लेता है, फर्स्ट पेरा पढ़ो, एक लड़की बोल के अकबर बढ़ता ऐसा ऐसा होता है, ओके बैठो, सेकंड चैप्टर, सेकंड पेरा, थर्ड पेरा, फोर्थ पेरा, फिफ्थ पेरा, टेंथ पेरा, रिंगिंग, सब लोग पकड़ के जाता है वापस. सो रीड नहीं करना, एक्सप्लेन करना, ये वाला पॉइंट हमारा होगा, एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है. ऐसे रीड करेंगे आप लोग का ना समझ में नहीं आता है, आप लोग ऐसा पढ़ के एग्जाम देंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आपका, अच्छा टीचर होना चाहिए. मैं हमका द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया, कैसे मिल गया, मेरा पूरा शिष्य अर्जुन आना चाहिए, सब लोग अच्छा टीचर होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट्स पूरा अच्छा टीचर होना चाहिए, वो वाला हमका इंपॉर्टेंट है. मैं अच्छा टीचर सब लोग का कुछ नहीं मालूम है, सब लोग का पीपीटी दे रहा है, क्यों दे रहा है, दूसरा टीचर के मैं बन रहा है, रेडी कर रहा है, मैं सब ऐसे पढ़ के अंदर रख के कुछ नहीं देंगे ना, मैं अच्छा टीचर नहीं है. सिमिलरली एक्सप्लेन करो, एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना है. प्लान इज ए गाइड, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है, वो गाइड है, वो इंपॉर्टेंट है, पूरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आप लोग एक्सप्लेन करना है. मैं 2 मिनट रीड करके जा सकता है बट एक्सप्लेन करना है. नाउ ये फॉर्मेट, लेसन प्लान फॉर्मेट देखो, ये वाला न्यू बुक में है. ट्रेड एग्जाम्पल, पहले वाला ट्रेड लिखना है, देन सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, वीक मॉडल यूनिट नंबर क्या है, डेट क्या है, लेसन नंबर क्या है, टाइम क्या है, ये वाला फॉर्मेट सब लोग के लेसन फॉर्मेट में निमी बुक में है. निमी बुक में इंस्ट्रक्टर गाइड बोल के क्या है ना, उधर देखो आप लोग के सब मिल जाएगा. नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टेप, टाइटल क्या है, आज का सब्जेक्ट टाइटल क्या है, क्या टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स क्या क्या पढ़ रहा है सब्जेक्ट में आपको. ऑन कंप्लीशन ऑफ द लेसन द ट्रेनर शैल बी एबल टू डू, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये वाला. देन क्या ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये वाला. देन मोटिवेशन इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन इंट्रोडक्शन रिव्यू, मोटिवेशन इंट्रोडक्शन रिव्यू. मोटिवेशन मीन्स आज का कल का क्या, आज का क्लास क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, इंट्रोडक्शन शुरू क्या कैसे शुरू करेंगे, पहले क्या इंट्रोडक्शन मीन्स क्या बात करेंगे, क्या एग्जांपल देंगे. नेक्स्ट इज रिव्यू, रिव्यू मीन्स रिविजन, पहले मोटिवेशन करना है उनको, देन इंट्रोडक्शन करना है, बाद में रिविजन करना है. अभी देखो
फॉर्मेट प्रेजेंटेशन स्टेप क्या पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शीट उनका एग्जाम्पल क्या देना है, हिंट्स एग्जाम्पल उनका हिंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक देना है, ये वाला पॉइंट्स ऐसा। देन एप्लीकेशन क्या क्या क्वेश्चन देना है, क्या टेस्ट देना है, सॉरी क्या क्वेश्चन देना है, कितने चीज अप्लाई करता है वो, ऐसा एप्लीकेशन से। बाद में समरी रिविजन रिविजन उनका, बाद में टेस्ट एंड एवेल्यूएशन क्वेश्चन दे दो क्या क्या क्वेश्चन है उनका, बाद में असाइनमेंट कल लेके लेकर भैया होमवर्क दे दो कर दो, कल बच्चे लोग होमवर्क लेके आते हैं उनका समझ में आता क्या है। नेक्स्ट लेसन कल मैं क्या लेसन लेंगे, ये वाला लेसन पर फॉर्मेट है। एक एग्जाम्पल दे दिया मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल, ट्रेड कोपा सब्जेक्ट कंप्यूटर वीक नंबर वन मॉड्यूल नंबर वन यूनिट नंबर वन डेट 14th अपडेट नहीं किया 14th में क्लास मिले पहले, टाइम एक घंटा का क्लास है। फर्स्ट वन प्रिपरेशन स्टेप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टाइटल का नाम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू डिफाइन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का मीनिंग मालूम होगा उनको, वो किधर यूज करता है मालूम होगा, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है हार्डवेयर क्या है ये समझ में आता है उनको, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या है पार्ट्स अंदर में, कीबोर्ड माउस हार्ड डिस्क किधर किधर है उनका समझ में आता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये चार पॉइंट उन लोग का मालूम होगा एक क्लास वालों का बाद में, ठीक है। ये वाला बोलता है ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, टाइटल बोलता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बोलता है, ठीक है। नाउ क्या ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग यूज व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन चार्ट्स कंप्यूटर चार्ज रख रहे हैं, एक ओरिजिनल कंप्यूटर लेके आपके पास रख दिया, ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन मोटिवेशन रिव्यू बाद में इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, अभी देखो कंप्यूटर कैसे काम कर रहे हैं लाइफ में, अभी कंप्यूटर नहीं होगा कुछ आदमी का कुछ नहीं करता, एग्जाम्पल देखो मोबाइल, मोबाइल भी कंप्यूटर है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर है, मोबाइल नहीं होगा आप लोग मेंटल हो जाएगा, ये पूरा मेंटल हो जाएगा, सही सब जगह भी लाइफ में कंप्यूटर का प्ले कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं होगा आप लोग का कुछ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल क्लास लेने का कंप्यूटर चाहिए, सिनेमा देख सकता है, बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन में, बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन में, खाना ले सकता है, कुछ कर सकता है पूरा ऑनलाइन में कर सकता है, कंप्यूटर चाहिए। फ्लाइट टिकट रेलवे टिकट बुक करने को, सिनेमा टिकट बुक करने को, बुक लाइब्रेरी में चेक कर, अभी पुराना टाइम हम लोग लाइब्रेरी जाएगा इंग्लिश ब्रिटिश लाइब्रेरी अभी के लिए जाकर बुक पढ़ता है, अभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च करो लेसन प्लान सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो स्कूल में क्या कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों लोग का कैसे यूज कर रहे हैं, कॉलेज में कैसे यूज कर रहे हैं, बैंक में क्या कर रहे हैं, बैंक में हम लोग पैसे ले रहे हैं पैसे दे रहे हैं वही 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 आउ सिंह। देन पोस्ट ऑफिस फॉर देरिंग पोस्ट ऑफिस कैसे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, पैथोलॉजी ब्लड चेकअप रिपोर्ट, मिलिट्री में क्या यूज कर रहे हैं, साइंस मिलिट्री में क्या हुआ है, मिसेज किधर है हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। घर में क्या कर रहे हैं, घर में कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं आप लोग, कैसे खाना कर रहा है करेगा, कैसे मेहंदी करेगा, ये वाला पूरा करते हैं, ये वाला पूरा आपका मोटिवेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उनका बाद में प्रेजेंटेशन स्टेप, प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वन डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट्स डाटा प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट, कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डाटा लेके प्रोसेस करके आउटपुट देता है। एग्जाम्पल आपका तीन नंबर में आपकी मेरे पास बच्चे लोग हैं दस बच्चे हैं, उनका एग्जाम दिया उनका मार्क लिस्ट लेना है, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है थर्ड कौन है, मैं इनपुट देंगे एग्जाम एक्स वाई जेड ऐसे टाइप करके देंगे, वो मार्क कंप्यूटर में जाएगा, बाद में मैं फिल्टर करके फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक मिल जाएगा, कितना आदमी पास होगा कितना आदमी फेल होगा मालूम होगा। सी क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, अंदर में क्या करता है डाटा प्रोसेसिंग करता है, डाटा फीड करता है इनपुट करता है, डाटा अंदर प्रोसेस करके आपका आउटपुट देता है।